हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी लोग दोस्तों। फाइनली इंटर बैक डाउन 3D गेम के अंदर RGB कलर भी ऐड हो गया। अली तिवा भाई, क्या बात है, गेम के अंदर RGB कलर भी ऐड हो गया। अरे हाँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, अली तिवा भाई गेम के अंदर RGB कलर तो बहुत ही OP लग रहा, लेकिन ये बताओ गेम के अंदर कैसे मिलेगा मेरी पहली मित्रों का, क्या तुझको नंबर याद दिली बताओ तो कुछ यार, मेरे तो कंट्रोल ही नहीं वाला तिवा भाई। अरे छोटू बस, मैं सब कुछ बता रहा हूँ कि गेम के अंदर RGB कलर कैसे मिलेगा, क्या इसका कोई चिटको नंबर है, और आप सभी को लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो क्लास तक जरूर देखिएगा। मेरी पहली मित्रों पता से पूरा देख डालो, और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक शिवा गेम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जैसे कि नन बैक डाउन 3D गेम के अंदर भी टाइम टोटल 8 कलर मिल जाता है, और एक मिक्सिंग कलर ऑप्शन मिल जाता है, और गेम के अंदर भी टाइम में RGB कलर ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन नन बैक डाउन 3D गेम के न्यू अपडेट में गेम के अंदर RGB कलर ऑप्शन भी आने वाला है, क्योंकि गेम के अंदर RGB कलर ऑप्शन ऐड हो चुका है। चलिए आप लोगों को बता देता हूं कि गेम के अंदर RGB कलर कैसे मिलेगा, आप लोगों को लाइव प्रूफ भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गेम के अंदर RGB कलर गेम के सेलफोन में मिलेगा, और गेम के सेलफोन में जो कलर वाला ऑप्शन मिलता था उसी में RGB कलर भी ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। आप लोगों को बता देता हूँ कि गेम के अंदर RGB कलर का कोई चिटको नंबर नहीं मिलने वाला है, और आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि गेम के अंदर अभी RGB कलर का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि अभी गेम का न्यू अपडेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही नन बैक डाउन 3D गेम का न्यू अपडेट आ जाएगा तो गेम के अंदर RGB कलर का ऑप्शन मिलने लगेगा। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो क्लिप है जो कि रोहित गमेश स्टूडेंट वार्ड समय सेंड किया है, और मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि गेम के अंदर RGB कलर भी आ रहा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक शिवा गेम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा।